हेलो एवरीवन। तो ए ब्लॉग है पार्ट 3 जन्माष्टमी का ब्लॉग ही कंटिन्यू है अभी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, आई थिंक 8 बज रहा है अभी। डिनर सबका बना दी हूँ, लास्ट ब्लॉग में मैं दिखाई थी। और अभी मैं नहा ली हूँ, अच्छे से नए धुले कपड़े पहन ली हूँ। और अभी जो भी पूजा का तैयारी है, फल वगैरह जो भी है सबको अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसके बाद जो भी पूजा में सामग्री चाहिए, रोली, चंदन, धूप, बाती, अक्षत जो भी है, उसको मैं एक प्लेट में सारे को निकाल लूँगी। तो बाल गोपाल जी का जन्म होगा तो उनको मैं पंचामृत से स्नान करवाऊँगी, पंचामृत से। तो फिर उसके लिए चाहिए दूध, दही, घी, जल या गंगा जल और हनी जो भी है, शहद। तो वो सबको मैं इकट्ठा रख लूँगी एक प्लेट में, और एक प्लेट में वो, क्योंकि पूजा पे जब बैठ जाएंगे तो पूजा फिनिश करके ही उठा जाता है, इसीलिए पहले मैं सारे को अरेंज कर लेती हूँ। और ये जो चौकी रखा हुआ है इसी में आसन लगाऊंगी भगवान जी का, भगवान जी का मीन्स इसी पे रखूँगी, बैठाऊँगी। और झूला ये सब अभी कोई इस बार मैं अच्छे से डेकोरेट कुछ भी नहीं करी हूँ, बैलून ये सबसे काफ़ी सिंपल तरीके से कर रही हूँ। और तो फ्रूट्स को मैंने वॉश कर लिया है और छोटे प्लेट में मैं सबको रख लूँगी। तो पहले मैं बड़े प्लेट में रखी थी, तो फिर इसमें मैं पूजा का जो भी सामान है, धूप, चंदन, रोली जो भी है, उसको मैं इसी में एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और बस, और ये जो एक बड़ी सी प्लेट दिख रही है उसमें कटोरी छोटी छोटी रखी हुई है, उसमें मैं तुलसी दल सुबह में ही तोड़ ली थी। और ये सब कटोरियाँ में मैं भोग लगा दूँगी, एक में ड्राई फ्रूट्स, बतासे, मिश्री ये सब का, एक में माखन मिश्री रहेगा, एक में साबूदाने की खीर जो बनाई थी और मखाने की खीर, फिर मावा पाक जो है, पंजीरी, धनिया, ये सब जो है मैं इकट्ठा निकाल लेती हूँ। तो अभी भोग में नहीं निकालूँगी, वो जब टाइम हो जाएगा 11:45 हो जाएगा या 12 बजने के पहले मैं निकाल लूँगी अभी, क्योंकि ओपन रहेगा तो अच्छा नहीं है। तो फिर वो ढका हुआ अभी रखा हुआ है बर्तन में ही। और ये सब सिंहासन है जो, उसको मैं धुल ली हूँ अच्छे से। तो बस दीपक जो जलाऊँगी, जोत, वो सब मैं इकट्ठा कर ली हूँ, है ना। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, और पूजा करने के समय हम कुछ भी नहीं भूल पाएंगे कि ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, सारा इकट्ठा हो जाता है। तो एक प्लेट में मैं भोग लगा रही हूँ, एक छोटी सी प्लेट में जो जिसमें ग्लास दिख रहा है वो है पंचामृत स्नान के लिए, और एक जो वहाँ पे भी प्लेट रखा हुआ है तो उसमें मैं सारा पूजा का सामग्री निकाल ली हूँ। और अभी जस्ट अभी टाइम नहीं हुआ, 11:30 हो गया है। वो सब बीच में मैं रेस्ट भी कर ली थी, तो अभी बाबू जगा हुआ ही है और हस्बैंड और बच्चे अक्षित जो है वो सो गए हैं, रूम में सो गए हैं, और ये मेरे पास ही है तो जगा हुआ ही है। तो अभी टाइम था तो मैं इसको गोद में लेकर बैठी हुई थी और वो खेल रहा था, और बस इसको झूला झूला रही हूँ पैर से ही, इसको भी नींद नहीं आ रही थी। तो बस जब मैं, लेकिन जब 12 बजा था, मीन्स कि 12 बजने में 5 मिनट था, तो उस टाइम मेरे को पूजा करने दे दिया, 15 से 20 मिनट टाइम दिया था, बट लास्ट में आरती के टाइम में फिर से उठ गया था, रोने लग गया था। तो मैं जल्दी जल्दी पूजा करी थी, वो मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई फुल वीडियो। तो बस अभी टाइम हो गया है, तो अभी भोग भी मैं नहीं निकाली हूँ, वैसे ही रखा हुआ है प्लेटें सब। तो अब बस 12 बजने ही वाला है, तो मैं सोची भोग निकाल लेती हूँ, तो वो भी थाली में सब रख लेती हूँ। और अभी देखिए मैंने सब कुछ जो भी बनाया था रख लिया है, और तुलसी के पत्ते या दल जो भी है सभी में डालना बहुत ज़रूरी है। और कान्हा जी को देखिए मैं चुंडी से ढक दी हूँ यहाँ पे, उनको जन्म कराने के पहले, तो अभी 12 बज गया है तो घंटी बजाना है, ताली बजाना है, उनको जन्मदिन का बधाई देना है। तो बस अब उनको मैं स्नान करवा दूँगी, पंचामृत स्नान। तो चौकी पे ही मैं प्लेट ले ली हूँ, उसमें स्वास्तिक बनाकर फूल वगैरह अच्छे से डालकर, और बाल गोपाल जी का जन्म हो गया है तो उनका मैं स्नान करा दूँगी, पंचामृत स्नान। और जोत जला हुआ है, जोत मैं पहले ही जला कर रख दी थी, और उधर नारियल रख दी हूँ कलश बनाकर, और झूला बीच में सजा दी हूँ, और उनके साइड में उधर है श्री राधा कृष्ण भगवान है और एक गौ माता है,
उनके नीचे ही मैं रखी हुई हूँ। और बस भगवान जी को बस पहले सेवा कर देते हैं, फिर उसके बाद इनको स्नान कराएंगे, फिर नए पोशाक जो लाई हूँ वो इनको पहनाऊँगी, उसके बाद झूला झुलाती हूँ, आरती, यही सब जैसे पूजा करते हैं अपने, सबका अपना अपना होता है, मैं इसी तरीके से करती हूँ पूजा। और एक खीरा मैं रख दी थी सिंहासन के आगे, खीरा ज़रूरी होता है। और बस इस तरीके से मैं अपना पूजा कंप्लीट करती हूँ। तो पहले पंचामृत स्नान में दूध से स्नान कराया, फिर दही से, अभी घी, फिर इसके बाद शहद से कराऊँगी, उसके बाद लास्ट में जल या गंगा जल से स्नान होगा इनका। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस बार पूजा करी थी। और चौकी पे मैं पीला कपड़ा बिछाकर और उसको मौली धागा जो भी होता है रक्षा सूत्र से मैं बांध दी थी। तो बस, और साथ साथ मैं बाबू को भी देख रही थी कि वो सो रहा है, तो वो सो रहा था अभी, फिर लास्ट में जाग जाता है जब मेरा आरती का टाइम होता है, तो मैं जल्दी जल्दी आरती करके फिर उसको ले लेती हूँ क्योंकि। और बस पूजा हो गया था कंप्लीट अच्छे से, तो बस स्नान करवा कर इसके बाद इनको मैं वस्त्र पहना दूँगी। तो और इसके बाद जो भी जिस तरीके से पूजा करते हैं मैं कर लेती हूँ। तो बस सिंपल तरीके से करी थी इस बार पूजा, और कोई डेकोरेशन भी नहीं करी थी बलून ने सबसे। और स्नान हो गया है, तो बाल गोपाल जी को मैं पोशाक पहना दूंगी, तो उनके लिए मैं पीले रंग का वस्त्र लाई थी। और ज्योत जो है जल रहा है, और गौरी गणेश भगवान जी को मैं बनाई हुई हूँ। और गौरी जी को मैं बनाई हूँ हल्दी से, और गणेश भगवान को मैं सुपारी में मौली धागा लपेट कर उसी जगह मैं रख दी हूँ। और फिर इनको सारा श्रृंगार कर दूँगी वस्त्र पहनाने के बाद, जो भी है मुकुट बांसुरी और माला जो भी है हाथ का कंगन सारे मैं पहना दूँ। और श्रृंगार कराने के बाद उनको पहले मैं सिंहासन पे विराजमान कर दूंगी, बैठा दूंगी। उनके बाद जो भी पीला वस्त्र, मतलब कि ऊपर से एक मैं रख देती हूँ पीला वस्त्र, उड़ा देती हूँ। तो इसके बाद जो भी ये विधि विधान से मैं पूजा करती हूँ, पहले फूलों से स्नान करवाती हूँ सभी, गौरी गणेश भगवान जी को, कलश जी को, राधे कृष्ण भगवान जी को, गौ माता जो भी है, उसके बाद पुष्प अक्षत चंदन सारे को मैं चढ़ा देती हूँ। और ज्योत जो एक जला हुआ है, एक ज्योत और मैं जलाई थी बट फैन के कारण ना वो हो रहा था, तो उसको मैं चौकी के पास रखती हूँ। और उसके बाद सारे भगवान जी को भोग लगा दूँगी, और भोग थाली जो भी है सब मैं वहाँ पे रखूँगी। और इसके बाद मैं धूप है, धूप बाती सभी को दिखा दूँगी। और जब पूजा हो जाएगा उसके बाद भगवान जी को झूला पे बिठाकर झूला झुलाऊंगी, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन कहा जाता है कि झूला झुलाना चाहिए, शुभ होता है झूला झुलाना। भगवान जी को बाल गोपाल स्वरूप में होते हैं, बाल स्वरूप में होते हैं, तो उनको जन्म के बाद बच्चे को झूला झुलाते हैं, मीन्स पालने पे रखते हैं, तो वही कहा जाता है कि उनको झूला ज़रूर झुलाएँ। तो और मोर पंख भी मैं लाई थी बट वो अच्छे से मैं सेट नहीं कर पाई, तो वो साइड में मैं रख दी थी। और भोग थाल चौकी पे आ नहीं रहा था, तो मैं उठाकर कटोरी ही मैं सारे को लगा देती हूँ भोग। और थोड़ा सा मैं अब इसके बाद आरती कर लूँगी, और अभी बाबू रो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी आरती करी, उसके बाद मैं बस बाबू को ले लेती हूँ। और फैन ऑन था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले मैं गणेश आरती कर लूँगी, उसके बाद कृष्ण भगवान जी की, उसके बाद राधे श्री राधे रानी जी का आरती मैं कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ।
और बच्चा था, अब छोटा बाबू है, तो थोड़ा मैं परेशान भी हो रही थी कि जल्दी जल्दी कर लूँ सब कुछ, ज़्यादा डिले ना करूँ। तो देखिए सब कुछ है, गौरी गणेश भगवान जी हैं, श्री राधे कृष्ण हैं, गौ माता जी हैं, बाल गोपाल जी को मैंने झूला पे बिठा दिया है, और भोग मैं पूजा के बाद हटा लेती हूँ क्योंकि इसको रात पर नहीं रखा जाता है, और बस एक माखन मिश्री और ड्राई फ्रूट्स का जो भोग है वो रखती हूँ। और भोग हम रात भर नहीं रख सकते हैं, उसमें कुछ भी कीड़े वगैरह जो भी है तो उनको मैं निकाल ली हूँ, और अभी मैं इसी से अपना व्रत को पारण करूँगी। और फिर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूजा कर रही थी, और सारा सामान अभी वहीं पड़ा हुआ है। अभी पूजा के बाद कुछ भी नहीं हटाया जाता है, तो मैं कुछ भी नहीं हटाऊँगी। और यहाँ पे इसको देखिए रो रो कर रहा है, और बस ये तो बस यही था मेरा जन्माष्टमी का पूजा ब्लॉग ब्लॉग आई होप अच्छा लगा होगा। और मैं इसमें कुछ राखी पिक्स भी शेयर करी हूँ, वो मैं पहले नहीं ब्लॉग बना पाई थी। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा है इस वीडियो में तो एक लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके वीडियो को देखिए, और भी आगे नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक ज़रूर करें। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और देखिए कुछ पिक्स हैं राखी का जो मैं आप लोग के